नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोज में आपका स्वागत है। मैं हुकराम। इस वक्त आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ दिखाई जा रही है और वो है ज्ञानवापी का मुद्दा। ज्ञानवापी मस्जिद जिसका मुद्दा लगातार उछलता ही जा रहा है, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आपके फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक सब जगह सिर्फ एक ही न्यूज़ है और वो है ज्ञानवापी मस्जिद। ऐसा लग रहा है कि देश में और कोई मुद्दा बचा ही नहीं। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने निर्यात बंद कर दिया अनाज का, लाखों टन अनाज जो बंदरगाहों पर पड़ा है, जिन लोगों का पैसा लगा था वो भी फंसा हुआ है, उसके बारे में एक अलग से रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास बाइक है चलाने के लिए और कार है ड्राइविंग करने के लिए, तो आप लोगों को 200 और 1000 रुपये का ही पेट्रोल मिलेगा। यानी कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो सिर्फ आपको 200 रुपये तक का पेट्रोल मिलेगा, और अगर आपके पास कार है तो 1000 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। जी हाँ, ये खबर कहीं और से नहीं आ रही, ये आपके भारत के, हमारे भारत के एक राज्य से आ रही है, जहाँ पर राज्य सरकार ने, और बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, उन्होंने बड़ा फैसला लिया और कहा है कि सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल दिया जाए जो बाइक चलाते हैं, और कार वाले को 1000 रुपये का पेट्रोल दिया जाए। अब ये क्यों हुआ, क्या हालात बने हैं, पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। आप लोगों को पता ही होगा कि असम में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। जी हाँ, साल दर साल बाढ़ आती रहती है और बिहार में भी बाढ़ आती रहती है, लेकिन उसका आज तक कोई परमानेंट सोल्यूशन हमारी सरकारें, चाहे वो किसी भी सरकार रही हैं, वो निकाल नहीं पाई है। अब असम से लगा हुआ त्रिपुरा है और त्रिपुरा में एक बड़ा फैसला लिया है। अभी हाल फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री वैसे बदल दिए गए हैं, विप्लव देव, जो पान की दुकान से लेकर बत्तख को एक तरह से अर्निंग का जरिया बताते थे, बड़े ही बड़बोले किस्म के थे, कहते थे इंटरनेट जो है वो महाभारत के समय में मिलता है। खैर, उन्हें हटा दिया गया क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो बीजेपी हो सकता है उत्तराखंड की तरह गेम खेल रही हो। तो वहाँ की सरकार ने एक फैसला लिया है, जो बाढ़ का असर हो रहा है वो त्रिपुरा में भी पड़ रहा है। अभी क्या कैलकुलेशन निकाली है, क्या नहीं निकाली है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये खबर आप हेडलाइंस के जरिए देख सकते हैं डिस्प्ले पर, जहाँ पर कहा गया साफ साफ, राज्य सरकार ने एक तरह से नोटिफिकेशन निकाला है कि जो लोग बाइक चलाते हैं उन्हें 200 रुपये का पेट्रोल दिया जाएगा, जिनके पास कार है उन्हें 1000 रुपये का पेट्रोल दिया जाएगा। अब 200 रुपये में कितना पेट्रोल आता है आप लोगों को पता है कि 2 लीटर भी पेट्रोल नहीं आ पा रहा है। 1000 रुपये में जो लोग नॉर्मल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो उनके शायद मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और 200 रुपये वाले जिनके पास नॉर्मल भी बाइक है वो कितने दूर जा पाएंगे। एक आम आदमी की जो ज़रूरत है, क्या उसके हिसाब से पेट्रोल दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ये देखिए, ज़रा सी बाढ़ असम में है तो उसका असर त्रिपुरा में हो रहा है। किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, और उसके अलावा आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पर पाबंदियाँ भी लग रही हैं। लेकिन आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, टीवी खोलिए और फिर गोदी मीडिया की डिबेट्स देखिए, हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे चल रहे हैं उनमें फंस जाइए। आप एक पक्ष ले लीजिए, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष वाले बैठे हैं, आपस में खूब डिबेट कीजिए और फिर बाकी सारे मुद्दे भूल जाइए। वही कोशिशें लगातार जारी हैं, आप लोगों को वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे आपका जो माइंड है वो जो आम आदमी की ज़रूरत है उससे हटकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो एजेंडा चल रहा है, उस पर सेट हो जाए और उनका उल्लू सीधा हो जाए। तो फंसे रहिए इन मुद्दों में, ये खबर आ रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखूँ कि त्रिपुरा में ऐसे हालात बने हैं, हो सकता है कहीं और ना बने, तो उससे पहले आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।